हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं लाइफ मंथरा वाई वर्षा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं अपनी बेटी समायरा का फुल डे रूटीन आपके साथ में शेयर कर रही हूं। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और वो अभी सो रही है। मैंने उसको सोते में ही दूध दे दिया है। सोते सोते वो दूध पी लेती है क्योंकि उसे 9:45 पे अपने थेरेपी सेंटर जाना है। तो ये देखिए, दूध उसने पी लिया है। अभी 9 बज रहे हैं, 9 बजे ये जग जाती है। तो बस थोड़ी देर ये खेलेगी यहीं पे। 15 मिनट का मैं इसको टाइम दूंगी। 15 मिनट तक ये यहीं पे बिस्तर में पड़ी रहेगी, खेलेगी डॉल वॉल के साथ में। और उसके बाद फिर मैं इसको नहला धुला के तैयार करूँगी। डॉल इसको बहुत पसंद है, तो बहुत सारी इस पर डॉल हैं। तो ये देखिए, ये डॉल की आइसक्रीम खा रही है। उसके हाथ में एक आइसक्रीम लगी तो उसी को चाट रही है ये। तो बस उसके बाद फिर मैंने इसको नहला धुला के कर दिया है रेडी। अभी मैं इसको ब्रेड खिला रही थी, तो ब्रेड इसने खाया नहीं, तो मैं इसको चाय पिला के फिर इसके थेरेपी सेंटर के लिए लेके जा रही हूँ। गोदी में इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि रोड पर काफ़ी सारी कीचड़ हो रही है बारिश की वजह से, और सेंटर भी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखिए, 3 घंटे के बाद में ये आ गई है। अभी टाइम हो रहा है 1 बजे। मैं इसको फिर खिलाती हूँ खाना वहाँ से लाने के बाद में। तो खाने में आज मैं इसको खिला रही हूँ सेरेलैक्स। तो खाना इसका डेली अलग अलग होता है। सेरेलैक्स मैंने दोपहर को वहाँ से आके बना के रख दिया, सुबह इसको छोड़ आई थी, फिर आके काम वाम किया और इसका खाना बनाया। उसके बाद मैं इसको लेने गई थी और अभी मैं इसको सेरेलैक्स खिला रही हूँ। ये खाती नहीं है, ज़बरदस्ती इसको खिलाना पड़ता है। तो इसी तरह से मैं गोदी में लिटा के इसको खिला देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसको पानी दे दिया है। पानी ये निपल से ही पीती है, अभी अपनी डॉल के पास लेट के पानी पी रही है। और पानी पीने के बाद थोड़ी देर हम मस्ती वस्ती करते हैं क्योंकि इसको थोड़ा फ्रेश होना होता है, तो ये इसी तरह से फ्रेश होती है। तो थोड़ी देर यहाँ पे मेरे साथ में मस्ती करेगी, उसके बाद फिर खुद से खेलने लग जाएगी। मेरा पूरा टाइम इसी के साथ में जाता है, कभी कुछ कराना कभी कुछ कराना। वही टाइम मेरे को मिलता है जब ये थेरेपी सेंटर में रहती है। तो मैं सुबह इसको छोड़ के आ जाती हूँ, उसके बाद घर का काम करती हूँ और फिर 12:30 पे मैं इसको लेने के लिए पहुँच जाती हूँ। 1:15 बजे इसकी छुट्टी हो जाती है। 1 बजे तक हम घर आ जाते हैं, पास में ही थेरेपी सेंटर है। 10-15 मिनट का टाइम हमको लगता है वहाँ पर पहुँचने में। तो थोड़ी देर इसके साथ में मैं भी मस्ती कर लूँगी और ये थोड़ी फ्रेश हो जाती है मस्ती करके, इसको अच्छा लगता है। उसके बाद मैं फिर ये सोचती है कि मुझे क्या करना है, अब झूला झूलना है, स्लाइड करनी है, क्या करना है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ 1 घंटे के लिए। तो ये खुद से खेलती रहती है अपनी डॉल वॉलों के साथ में, झूले वगैरह के साथ में। उसके बाद फिर 3 बज जाते हैं। तो 3 बजे फिर मैं इसको दूध दे के सुलाने की कोशिश करती हूँ। जब ये नहीं सोती है तो फिर मैं इसको एक्टिविटी के लिए के बैठ जाती हूँ। तो कभी सो जाती है कभी नहीं सोती है, आज नहीं सोई है तो मैं इसको एक्टिविटी करा रही हूँ। तो यहाँ पे ये लगा रही है अल्फ़ाबेट, मैं बताती जा रही हूँ इसको कि गुनू ये लगाओ ये लगाओ, तो ये उनमें से ढूंढ के ऐसे लगा देती है। थोड़ा सा टाइम लेती है लेकिन लगा देती है। एक्टिविटी मैं इसको काफ़ी सारी कराती हूँ घर में, कम से कम 4 से 5 घंटे मैं इसको एक्टिविटी कराती हूँ। गैप दे के कराती हूँ, जैसे 2 घंटे करा दी इसको, 1.5 घंटे का गैप दे दिया, फिर 2-2.5 घंटे करा दी, तो इस तरह से मैं कराती हूँ। तो अभी इसकी एक्टिविटी मैंने 4 बजे से स्टार्ट कराई है और 5:30 बजे तक मैं कराऊँगी। तो पहले मैं इसको 1.5 घंटे एक्टिविटी कराऊँगी, उसके बाद मैं इसको 1/2 घंटे के लिए फ्री टाइम दूंगी। तो अभी कर रही है ये मैचिंग। काफ़ी सारी एक्टिविटी मैं कराती हूँ, सारी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर सभी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो धीरे धीरे मैं जैसे ब्लॉग शेयर करती जाऊँगी वैसे वैसे शेयर करती जाऊँगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। तो मेरे चैनल पर बहुत सारी ऑनलाइन प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो हैं, आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो देखिए, अभी 6 बज रहे हैं, 2 घंटे मैंने इसको एक्टिविटी करा दी है। 2 घंटे के बाद फिर मैं इसको दूध दे रही हूँ। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए नीचे लेके जाऊँगी। दूध उठाओ गुनगुन, दूध लो, वेरी गुड, पियो पी लो, जल्दी से ठीक से पियो। और पूरा फिनिश करना है, ओके, सारा फिनिश होना चाहिए। क्या हो गया, अच्छा नहीं लगा?
क्यों नहीं लगा? जल्दी से पियो, भुक्कू आई थी ना, पियो जल्दी से। तो गाइस अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ नीचे थोड़ी देर घुमाने के लिए, सर्दी की वजह से पार्क नहीं जा पा रहे हैं तो नीचे बाहर रोड पर ही घुमा लेती हूँ। थोड़ा सा इसको भी अच्छा लगता है, घर में ये भी बोर हो जाती है। फिर वहाँ से लाने के बाद में मैं इसको चाय पिला देती हूँ, क्योंकि नीचे भी ठंडी तो रहती है ही, और चाय नहीं पिलाऊँ तो उसको बहुत जल्दी से जुकाम लग जाता है। तो फिर मैं ऊपर ला के इसको चाय पिला देती हूँ। चाय पिला के मैं इसको फिर से एक्टिविटी के लिए बैठा देती हूँ। तो रात को मैं जो भी एक्टिविटी कराती हूँ वो सारी स्टडी से रिलेटिव ही एक्टिविटी मैं इसको कराती हूँ, कलरिंग, स्टैचिंग एंड राइटिंग वगैरह ये सब मैं इसको करा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको खाना खिलाती हूँ। तो खाने में मैं इसको आज खिला रही हूँ आलू का पराठा, और ये खाना भी ऐसे ही खाती है, कुछ ना कुछ करती रहती है तभी खाना खाती है। नॉर्मल इसको प्रॉपर खाने के लिए लेके बैठो तो ये खाना नहीं खाती है। उसके बाद में थोड़ा बहुत खेलती है और फिर सोने के लिए आ जाती है। तो अभी 10 बज रहे हैं, 10 बजे मैं इसको सुला देती हूँ। तो बस मैं इसके कपड़े वपड़े निकाल दूँगी और उसके बाद पैरों की थोड़ी सी मालिश कर देती हूँ। रात को पूरे दिन घूमती रहती है तो थक जाती होगी, तो थोड़ी सी नारियल के तेल से मालिश कर देती हूँ, थोड़ा सा इसको भी रिलैक्स मिलता होगा, आराम से सो जाती है। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। 8 बजे मैंने इसको खाना खिलाया था तो अभी 10:15 का टाइम हो रहा है, तो मैंने इसको दूध दे दिया है, दूध पी के गुनगुन सो गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।